रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर द फर्स्ट रॉक की कॉम्प्रीहेंशन, और उसमें आज हम न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे, लर्निंग ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। हम जितने वर्ड सीखते जाते हैं हमारी वोकेबलरी बढ़ती जाती है। तो पहला वर्ड है जाइंट। जाइंट कहते हैं बड़ी जसामत वाले को, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसके जो सिमिलर मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, इमेंस, वास्ट, टाइटैनिक, जंबू, मॉन्स्टर, ह्यूज, इनॉमस, और इसके अपोजिट जाइंट के हैं मिनिएचर, स्मॉल, ड्वार्फ, टाइनी, माइन्यूट एंड लिटल। जाइंट पांडास लिव ओनली इन चाइना, बहुत बड़े पांडास होते हैं, ओनली चाइना में होते हैं। देर इज़ नो वन जाइंट स्टेप दैट डज इट, इट्स अ लॉट ऑफ लिटल स्टेप्स। हमेशा ज़िंदगी में हम कामयाबी छोटे छोटे रोज़ कदम उठा के हासिल करते हैं। कोई भी बंदा एकदम बड़ा जाइंट स्टेप नहीं उठा सकता। इसका मतलब है कि हमें कामयाबी हासिल करने के लिए परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। और ये हदीस में आया है कि खुदा के नज़दीक बेहतरीन आमाल में से वो अमल है जो हमेशा किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट, पुरसकून। इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं स्टिल, काम, ट्रैंक्विल, साइलेंट, साइलेंस, पीस, और इसके अपोजिट पीस और क्वाइट के हैं कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस, फ्रेंडशिप। प्लीज़ बी क्वाइट, जब क्लासरूम में बैठे होते हैं तो खामोशी से बैठना चाहिए। आई कीप क्वाइट, आई डोंट से मच, आई वॉच एंड लर्न। जितना खामोश रहेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रीड। रीड कहते हैं खोखले तने वाले घास के तिनके को। इसके अदर वर्ड्स फॉर रीड हैं स्टिक, केन, शेफ्ट, स्टॉक, ट्रंक, स्टेम। नेक्स्ट वर्ड है सेफ, महफूज, नॉट इन डेंजर, फ्री फ्रॉम हार्म, नॉट लाइकली टू काज हार्म। सिनोनिम्स ऑफ सेफ आर सिक्योर, रिलायबल, हार्मलेस, सॉलिड, और अपोजिट हैं अनसेफ, रिस्की, वल्नरेबल, अनरिलायबल, डेंजरस, इनसिक्योर, हार्मफुल, हैजर्डस, अनप्रोटेक्टेड एंड अनसर्टन। होम इज़ वेयर यू फील लव्ड, अप्रिशिएटेड एंड सेफ। तो घर ऐसी जगह है जहाँ हम महफूज होते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, आर यू लिसनिंग किड्स, क्या आप सुन रहे हैं? तो हमें सेफ्टी, अपनी हिफाजत सबसे पहले मुकदम रखनी चाहिए। सेट अप, स्टेप अप टू सेफ्टी, एस फॉर सेफ्टी फर्स्ट, टी फॉर टॉक टू एन एडल्ट, ई एजुकेट अदर्स, एंड पी प्लान अहेड। प्यारे बच्चों, स्टेइंग सेफ एट स्कूल में, खेल के मैदान में, स्कूल के अंदर, अपने आप की हिफाजत करें। स्टेइंग सेफ इन व्हीकल्स, और बीइंग सेफ इन कम्युनिटी एंड सेफ एट होम, यानी स्कूल में बेंच में ना चढ़ें, भागें नहीं, शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हाथ में पड़ें, और स्ट्रेंजर से कोई चीज़ ना लें। तो असल में हमें हर जगह सेफ्टी को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम घर में हों, मस्जिद में हों, खेल में हों, स्कूल पे हों, हर जगह हम टूटी फूटी गाड़ियों में ना बैठें, टूटे झूलों में ना बैठें, इलेक्ट्रिसिटी से ना खेलें। स्ट्रेंज, अजीब, अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, अनफेमिलियर। सिमिलर वर्ड्स आर अनयूजुअल, अननोन, बिजार, फॉरेन, क्यूरियस, ऑड, वियर्ड। ये सारे अल्फाज जो हैं स्ट्रेंज के हम मानी हैं, और इसके अपोजिट हैं फेमिलियर, कॉमन प्लेस, स्टैंडर्ड, यूजुअल, कॉमन, टिपिकल, कन्वेंशनल, नॉर्मल, रेगुलर, ऑर्डिनरी। We live in a strange world where the poor walk miles to get food and the rich walk miles to digest food. यानी हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं, यहाँ गरीब खुराक हासिल करने के लिए चलता है और अमीर खुराक को हजम करने के लिए। Die, stop living, मरने को die कहते हैं। Similar words for die are pass away, perish, decease, disappear, expire, end, depart. और अपोजिट ऑफ डाई आर लाई, लिव, ग्रो, बी बॉर्न, सर्वाइव, एग्जिस्ट, बिगिन। एवरी बॉडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डाई।
Life is not guaranteed at all, but death is absolutely guaranteed upon all. Yet, we still prepare for life more than death. Yani, मौत तो गारंटी है उसकी हम तैयारी नहीं करते जो जिंदा है उसने दुनिया से तो जाना ही है रिमेंबर डेथ कैन कॉल यू एट एनी टाइम मौत का बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह अल्लाह की तरफ अपना रुख फेर लें इससे पहले कि आप अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएं तो प्यारे बच्चों अल्लाह ने अपने बारे में कुरान मजीद में बताया अपने नबी की सीरत के जरिए हमें बताया तो ये मैच द वर्ल्ड From in column A with the meaning in column B. Video यहाँ पे stop करें और इनको इनके words के meaning के सामने लिखें. अब आप इसका जवाब check करते हैं. Giant, quiet, read, safe, strange, die. ये अभी हम सारे discuss करके आए हैं. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. इस video को like करें, share करें और channel को subscribe करें.